नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद एमएस में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीट 2022 का, जो कल पेपर हुआ था 23/7/2022 को, उसकी सेकंड शिफ्ट में जो साइंस आई थी उसकी एंसर की बात करेंगे। उससे पहले मैंने अभी वीडियो एक उपलब्ध करवाया था आपको, उसमें मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन हैं जो मुझे याद थे वो आपको उपलब्ध करवाए थे, उनकी एंसर की सहित व्याख्या सहित उत्तर उपलब्ध करवाए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो देख सकते हैं। उसमें एक दो प्रश्न मैं वापस यहाँ बता देता हूँ, एक दो प्रश्न नहीं ऐड कर देता हूँ, क्योंकि कुछ प्रश्न थे मैंने 24 के या 25 प्रश्न वहाँ पे करवाए थे आपको, कुछ प्रश्न मुझे याद नहीं आ रहे थे, तो विद्यार्थियों ने जो कमेंट करे हैं उन प्रश्नों के मैं उत्तर बता देता हूँ। एक प्रश्न आया था कि 1, 2, 3, 4, 5 तो एन पदों का माध्य ज्ञात कीजिए, यह सूत्र था, यह प्रश्न पूछा गया था, माध्य ज्ञात करना है। तो आपको पता होगा एन प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होता है, तो एन प्राकृत संख्याओं का एन कोष्टक एन प्लस वन बटा दो, ये होता है प्राकृत संख्याओं का योगफल। और आपको पता है माध्य कैसे निकालते हैं, योगफल में संख्याओं का भाग दे दो, तो ये योगफल तो आ गया हमारे सूत्र से। अब इसमें एन का भाग दे दो क्या आ जाएगा, माध्य आ जाएगा, तो एन से एन कैंसिल हो गया, उत्तर आएगा एन प्लस वन बटा दो, ये माध्य होगा। एक प्रश्न आया था निदानात्मक परीक्षण के बारे में आया था, तो उसमें निदानात्मक परीक्षण होगा। एक मूल्यांकन का उद्देश्य आया था, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है, इस प्रकार का एक क्वेश्चन आया था। तो ये थे मैथ्स के क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं साइंस के क्वेश्चन की। साइंस के जितने प्रश्न मेरे को याद थे, लगभग जितने भी जो टॉपिक से संबंधित सवाल आए हैं या जो प्रश्न आए हैं जो तथ्य पर आधारित आए हैं वो सब याद है मुझे। अब एक दो प्रश्न शिक्षण विधियों वाले हैं, 5-4 प्रश्न, वो मुझे जैसे दर्शी सर्वे सामग्री का प्रश्न आ गया, मूल्यांकन का प्रश्न आया है, वो प्रश्न मैं यहाँ पर नहीं ले रहा हूँ, जो मुख्य प्रश्न आए हैं वो ले रहा हूँ, तो देख लेना आप, और आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बात आराम से आपकी सबकी हो जाएगी। अगले पेपर की आपको तैयारी करनी है, आप जीके पर फोकस कीजिए, आराम से आपकी ये पात्रता हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आया था हरित गैसें कौन सी है। देखो प्रश्न की वो लैंग्वेज नहीं लिख पा रहा हूँ, तो कोशिश की है वही लैंग्वेज लिखने की, लेकिन कुछ प्रश्न में हो सकता है मिस्टेक हो, तो आप समझने की कोशिश करना, क्योंकि आप सभी पढ़ के आए हैं वहाँ पर प्रश्न किस प्रकार किस लेवल में किस लैंग्वेज में था। तो हरित गैसें कौन सी है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे और इस प्रकार क्रम दिया हुआ था हरित गैसों का। तो हरित ग्रह गैसें कौन सी आपको बताओ, CO2, CH4, N2O, CFC, ये है सब हरित गैसें हैं, तो इसमें ये ऑप्शन सही होता, CO2, CH4 और N2O, तीनों क्रम से दी हुई थी, ये ऑप्शन सही होता इसमें। निम्न में से संश्लेषित सूचक कौन सी है, तो इसमें दिया गया था सूचक दिए गए थे गुड हेल्थ, हल्दी, फिनोप्थेलिन, इस प्रकार के ऑप्शन दिए गए थे, तो इसमें संश्लेषित सूचक है वो फिनोप्थेलिन है, जबकि गुड़हल की पंखुड़ियाँ और हल्दी है ये प्राकृतिक सूचक है। ये हमारे नोट्स में इसी प्रश्न आए हुए हैं, जिन अगर आपने ध्यान से अगर नोट्स पढ़े हैं, 6, 7, 8 की बुक पढ़ी है, या मेरे शॉर्ट नोट्स भी अगर पढ़े हैं, तो लगभग प्रश्न वहीं से आए हैं। और अगर आपने जो गणित की परिभाषाएं और विज्ञान की परिभाषाएं मैंने भेजी थी वहां से अगर पढ़े हैं, तो वहां से भी 3 प्रश्न रिपीट हुए हैं गणित में। निम्न में से खरीफ की फसल कौन सी है, यह पूछा गया था निम्न में से खरीफ की फसल नहीं है, हाँ ये पूछा गया था, निम्न में खरीफ की फसल कौन सी नहीं है, सॉरी यहाँ पे लिख लेना आप काट के, खरीफ की फसल नहीं है ये पूछा गया था। तो उसमें पूछा गया था ऑप्शन था कपास, मक्का और सोयाबीन और मटर, तो जो कपास, सोयाबीन, मक्का है ये तीनों खरीफ की फसल में आती हैं, तो खरीफ की फसल कौन सी नहीं है, तो वो है मटर नहीं है, खरीफ की फसल कौन सी नहीं है तो मटर नहीं है, ये ध्यान रखना। निम्न में से वायु प्रदूषण गैस नहीं है, ये प्रश्न आया था, मतलब जो वायु में प्रदूषण फैलाती है वो गैस कौन सी नहीं है, तो CO2, CH4, N2O, O2, ये 4 ऑप्शन थे, इसका सही आंसर है O2, क्योंकि जो O2 है ऑक्सीजन गैस है, वो वायु की प्रदूषक गैस नहीं है, वायु के O2 तो हमें आवश्यक होती है, प्रदूषण नहीं फैलाती O2 गैस, जबकि CO2 है, CH4 है, N2O है, ये प्रदूषण फैलाती है। निम्न में से सरल उत्तक कौन सा है, ये प्रश्न आया था, तो आपको पता होगा सरल उत्तक में 3 ऑप्शन थे, एक था इनमें से कोई नहीं, तो एक था जाइलम, फ्लोएम, स्क्लेनकाइमा, ये 3 ऑप्शन थे, तो ये दोनों है वो जटिल उत्तक है, जबकि स्क्लेनकाइमा है जिसे दृढ़ उत्तक बोलते हैं, स्क्लेनकाइमा, पेलेनकाइमा है, ये सब क्या है, सरल उत्तक है, तो इसका सही आंसर होगा स्क्लेनकाइमा। निम्न में से खाने योग्य तन्य का उदाहरण कौन सा है, ये प्रश्न आया था, ये भी RBC बोर्ड की बुक्स में लिखा हुआ है, नोट्स में लिखा हुआ है, सब में लिखा हुआ है, तो आलू, शकरकंद, गाजर और मूली, आपको पता होगा शकरकंद, गाजर और मूली ये जब जड़ के रूपांतरण है, जबकि आलू है वो तने का रूपांतरण है, और मैंने आपको इस प्रश्न पर बहुत जोर देके आपको बताया था कि आलू वाला प्रश्न याद रख लेना, ये प्रश्न आने की संभावना है, क्योंकि खाने योग्य तने का उदाहरण है, और ये लेबर सिस्टम में भी आया था, ये भी मैंने बताया था, अभी लेबर सिस्टम एग्जाम में आया, तो आलू तने का उदाहरण है जो खाने योग्य तने का उदाहरण है। एक प्रश्न आया था एल्यूमिनियम नाइट्रेट का सूत्र है,
चार ऑप्शन दिए गए थे, ए एल एन ओ थ्री टू, ए एल एन ओ थ्री थ्री, ए एल टू एन ओ थ्री थ्री, ए एल फोर एन ओ थ्री टी ऑल पावर टू। देखो इस प्रकार का एक चार ऑप्शन दिए हुए थे एल्यूमिनियम नाइट्रेट का सूत्र, तो आपको पता होगा NO3 माइनस होता है और एल्यूमिनियम प्लस थ्री होता है। अगर आपको इनको क्रॉस करेंगे तो आप पाएंगे कि AlNO3 और 3, मतलब यहाँ एल्यूमिनियम के कुछ नहीं आएगा, केवल थ्री के थ्री का, ये थ्री यहाँ आ जाएगा या माइनस का, माइनस प्लस से फर्क नहीं पड़ता, ये एक है यहाँ पर, Al का एक का मान मतलब Al ही, तो एल्यूमिनियम NO3 3, ये ऑप्शन सही होगा। एक प्रश्न आया था पोटेशियम का प्रतीक है, सबको पता है के, केलियम के वजह से बोलते हैं इसको, प्रसवता में सहायक हार्मोन कौन सा है, यह प्रश्न आया था। इसमें चार ऑप्शन थे, एड्रेनिन, एड्रेनलिन ग्रंथि वाला एक था, एक थायराइड था, एक और ऑप्शन था और एक था प्रोजेस्टेरोन। तो इसमें साफ आप देख पा रहे हैं प्रोजेस्टेरोन है जो प्रसवता में सहायक हार्मोन है, और ये तो आपको आ रहा होगा। और अगर आप ऐसे प्रश्न तो क्या है सामान्य से अगर ऑप्शन देखे भी आप कर सकते हैं। निम्न में से संश्लेषित रेशा कौन सा है, ये पूछा था, कृत्रिम रेशा या संश्लेषित रेशा कौन सा है, नायलोन, कपास, ऊन और रेशम। आपको पता होगा ये भी आरबीसी बोर्ड और दिया हुआ है नोट्स में, कपास, ऊन और रेशम है ये प्राकृतिक रेशे हैं, जबकि नायलोन है वो संश्लेषित रेशा है। एक आया था लेग्युमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों में पाए जाने वाला सहजीवी जीवाणु, इस प्रश्न में भी मैंने जब कराया था वो बहुत जोर देकर कराया था कि ये राइजोबियम वाला ध्यान रखना, एक लाइकेन और एक राइजोबियम वाला, तो ये सहजीवी संबंध है राइजोबियम और लेग्युमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों में पाया जाता है, और ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है, ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है। घर्षण का घटता क्रम है, मतलब ये प्रश्न भी अभी कल परसों मैंने कलाम वाली डाली थी पीडीएफ, उसमें भी था घर्षण का घटता क्रम कौन सा है, और हमारे जो नोट्स थे उनमें भी था स्थैतिक घर्षण, सर्पी घर्षण और लोटनी घर्षण, ये घर्षण का घटता क्रम है, मतलब सबसे ज्यादा घर्षण होगा स्थैतिक घर्षण में, उसके बाद होगा सर्पी घर्षण में, और उसके बाद होगा लोटनी घर्षण में, सबसे ज़्यादा स्थैतिक में, उसके बाद सर्पी में, और उसके बाद लोटनी में, लोटनी में सबसे कम होता है घर्षण। एक आया था निष्पावन विधि या विनोविंग मेथड है, उसके माध्यम से किसका पृथक्करण किया जाता है, उसमें चार ऑप्शन थे, एक अनकण व भूसे का, एक अनकण व कंकड़ का, इस प्रकार से चार ऑप्शन थे, तो उसका सही आंसर है अनकण और भूसे का, मतलब एक तो कण वो हल्का एक वो भारी, उन पदार्थों का ही निष्पावन विधि से मतलब आप फटक सकते हैं उनको, जैसे कि आप अन्न को पटकेंगे तो अन्न पास में गिरेगा और भूसा दूर गिरेगा वायु की वजह से, जबकि इसमें एक ऑप्शन और था अनकण और कंकड़ का, अगर आप कंकड़ और अनकण का जो पृथक्करण करना चाहते हैं तो इस विधि से नहीं होगा, क्योंकि अनकण और जो कंकड़ है वो साथ में गिर जाएंगे इस वजह से। एक प्रश्न आया था एक वस्तु अर्धवर्त की गति करती है, मतलब एक अर्धवर्त एक बिंदु से शुरू होकर अर्धवर्त की गति करती है यहाँ पे ऐसे, तो उसने पूछा था दूरी और विस्थापन क्या है। तो देखो अगर आप ये गति कर रही है तो इसमें आपको पता होगा यहाँ से शुरू करेगी तो दूरी तो पूरी होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, और आपको पता है परिधि कितनी होती है, अगर पूरा चक्कर लगाती है तो 2πr होती है, लेकिन आधा चक्कर लगाएगी तो 2 का भाग दे दो मतलब πr, तो ये तो होगी दूरी। और विस्थापन आपको पता है प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच का दूरी है, सीधी दूरी है वो विस्थापन कहलाती है, तो ये यहाँ से चक्कर लगा के तो आई है लेकिन यहाँ से सीधी दूरी है वो विस्थापन कहलाएगी, इसका मतलब ये r प्लस r 2r, तो विस्थापन कितना हो गया 2r हो गया, दूरी πr और विस्थापन 2r। एक प्रश्न आया था एक लकड़ी जो कि ठंडी आइसक्रीम में डूबी है, मतलब एक ठंडी आइसक्रीम में डूबी हुई लकड़ी है कुछ समय बाद, बस इतना लिखा हुआ था, इसके बाद ऑप्शन थे लकड़ी सवन के कारण ठंडी हो जाएगी, आपको पता होगा सवन विधि द्रव माध्यम में या गैसीय माध्यम में कार्य करती है। एक लिखा था लकड़ी विकिरण के कारण ठंडी हो जाएगी, विकिरण में आपको पता होगा निर्वात में भी संचलन हो सकता है ऊष्मा का, ऊष्मा संचलन की विधियों से प्रश्न आया है, लकड़ी चालन के कारण ठंडी हो जाएगी, लकड़ी ठंडी नहीं होगी। देखो इस प्रश्न में ऑप्शन में देखो मैंने तो यही किया था लकड़ी चालन के कारण ठंडी हो जाएगी, और लगभग यही लग रहा है यही मानेंगे सर गवर्नमेंट या जो बोर्ड है ये लकड़ी चालन के कारण ठंडी हो जाएगी, क्योंकि ठोसों में जो ऊष्मा का संचरण है वो चालन विधि से होता है, लेकिन लकड़ी ठंडी नहीं होगी ये भी कहीं कहीं पे सही हो सकता है। इस प्रकार हो सकता है कि जो धातुएं हैं वो तो विद्युत का चालन करती है या ऊष्मा का चालन करती है, लेकिन लकड़ी उतनी ठंडी नहीं होगी जितनी कोई तांबा आप लोहे की कोई वस्तु रखो तो वो जल्दी ठंडी होगी, लेकिन लकड़ी उतनी क्योंकि है विद्युत का चालन नहीं करती या ऊष्मा का चालन नहीं करती, लेकिन इसका सही आंसर जानना चाहिए वो है लकड़ी चालन के कारण ठंडी हो जाएगी, क्योंकि सवन द्रव और गैसों में होता है, विकिरण निर्वात में भी संपन्न होता है, जबकि ठोसों में विद्युत का जो चालन है वो सॉरी ऊष्मा का जो चालन है वो चालन विधि की वजह से होता है। ये नोट्स में से आया है करवाया हुआ प्रश्न है। भारत में पवित्र उपवन है,
मतलब ये प्रश्न आया था, मतलब स्केट ग्रोव नाम से आया था, भारत में पवित्र उपवन कौन कौन से, तो राजस्थान की अरावली की पर्वत श्रृंखलाएं, मेघालय की गोरा खांसी जयंतिया के पहाड़ियों में, महाराष्ट्र के हिमालय क्षेत्र में, उपयुक्त सभी में, मतलब पवित्र उपवन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो ये प्रश्न देखो मुझे भी ऐसे नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने भी तुक्का लगाया था इस प्रश्न में, और इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी, क्योंकि मैंने भाई थोड़ी नेट पे चेक किया है, तो इसका सही आंसर जानना चाहिए उपयुक्त सभी, कोई स्पष्ट इस प्रकार के कोई नहीं है गाइडलाइन, या यही होगा आंसर, बोर्ड क्या मानता है उस पर डिपेंड करता है, लेकिन इसका ऑप्शन लग रहा है उपयुक्त सभी, क्योंकि ये राजस्थान की अरावली पर्वतमाला में भी पवित्र उपवन का मतलब है जहाँ जड़ी बूटियाँ ज़्यादा पाई जाती है, जहाँ उस प्रकार घास है वो, जहाँ अनेक स्पीसीज पाई जाती है, अनेक पेड़ पौधों की जातियाँ पाई जाती है, इस प्रकार की जो है उनको पवित्र उपवन कहा जाता है, जिनको पवित्र माना जाता है, तो ये तीनों होने चाहिए। बाकी आप देख लेना, अगर आपको मेरे से ज़्यादा ये SST वाले बता पाएंगे इसमें कि कौन सा सही आंसर होना चाहिए, क्योंकि GK का प्रश्न इस टाइप से है। एक प्रश्न आया था प्लूरिस रोग का कौन सा है, तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो कि TB का है, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया जो गलघोंटू रोग है डिप्थीरिया का है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री जो कि कुष्ठ रोग का है, और नेसेरिया गोनेरिया जो कि गोनेरिया रोग का है। ये आपको चारों के पता था इनको रोगों के, तो लेकिन ये एक अलग ही रोग है प्लूरिस रोग। तो अब देखो इस प्लूरिस रोग हम वापस ऐसे सामान्य मानव रोग में इसको नहीं पढ़ते हैं, और ये रोग इनमें से ऑप्शन में भी बैठ नहीं रहा था। तो अब इस प्रश्न का आंसर क्या हो, तो इस प्रश्न में देखो प्लूरिस रोग में क्या होता है, फेफड़ों में सूजन आ जाती है, फेफड़ों में सूजन आना, दर्द होना, छिलना, इस प्रकार के इसके लक्षण हैं। तो अगर लक्षणों की बात करें तो इसका सही आंसर ट्यूबरकुलोसिस के पास जाना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी देखो मेरा भी गलत हुआ है, अब ये प्रश्न मुझे भी नहीं लगा, मैंने भी TB नहीं करके आया मैं, लेकिन इस प्रश्न में जहाँ तक मैंने इसके लक्षण वगैरह नेट पर देखे थे तो इसके लक्षण वगैरह इस प्रकार के हैं, इसका मतलब ये कुछ TB के ऐसे लक्षण हैं, तो इसका मतलब हो सकता है ये TB वाला जो जीवाणु है वही ये रोग फैला रहे। तो इस प्रश्न का आंसर आपको अगर आ रहा है तो देख लेना, अगर नहीं आ रहा तो जो बोर्ड मानेगा वही सही होगा। मैं आपको एक बता सकता हूं कि इसका शायद TB आंसर सही माने, जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है ये सही माने। एक प्रश्न आया था LED कौन से रंग का उत्सर्जन करता है, तो देखो इसमें चार ऑप्शन थे, लाल, हरा, पीला, सभी, केवल लाल, केवल हरा, केवल पीला, सभी, इस प्रकार के ऑप्शन थे। तो LED है वो लाल भी करता है, हरे भी करता है, पीला करता है, सफेद करता है, और दो रंग और है वो भी उत्सर्जित करता है, इसका मतलब सभी। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग, सामान्य प्रश्न आया था रतौंधी, बेरीबेरी, स्कर्वी, रिकेट्स, चार ऑप्शन थे, सही ऑप्शन है रतौंधी। हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण किस अवस्था में होता है, ये शानदार प्रश्न आया था, जीवन अवस्था, G2 अवस्था, S अवस्था, M अवस्था। तो जो हिस्टोन प्रोटीन है आपको पता होगा जो गुणसूत्र है वो DNA व हिस्टोन प्रोटीन से बने होते हैं, तो जो DNA का जो संश्लेषण होता है वो होता है S अवस्था में, तो जो हिस्टोन प्रोटीन है उसका संश्लेषण भी S अवस्था में होगा, इसका सही आंसर होगा S अवस्था। परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई, तो परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत 1951 में हुई थी, वैसे कुछ 1952 भी बताते लेकिन शायद मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे याद है 1952 ऑप्शन में नहीं था, 1951 में परिवार नियोजन कार्यक्रम चला था, और उसके बाद इसमें 1978 में इसका नाम चेंज कर दिया गया था, तो इसका सही आंसर होगा 1951। मानव में त्वचा का तेलीय होना किस ग्रंथि के कारण होता है, ये भी शानदार प्रश्न आया था, ये जो 6th-7th-8th की बुक्स है उनमें से नहीं आए, 2-3 प्रश्न ऐसे थे जो बाहर से पूछे गए थे। तो इसमें चार ऑप्शन थे, एपोक्राइन, एक्जोक्राइन, मेरोक्राइन और होलोक्राइन ग्रेन, ये ग्रंथियाँ दी गई है, चारों ग्रंथियाँ, इनमें से त्वचा का तेल होना किस ग्रंथि कारण होता है, तो आप लोगों को पता है एक्जोक्राइन ग्लैंड, बहिस्रावी ग्रंथि आप पता है, अग्नाशय वगैरह, यकृत वगैरह आप जानते हो। एपोक्राइन ग्लैंड है, ये ग्लैंड क्या करती है, ये स्तन ग्रंथियाँ जो होती है, स्तन ग्रंथियों में ये एपोक्राइन ग्लैंड पाई जाती है, और जो लार ग्रंथियाँ होती है, जो सलाइवरी ग्लैंड होती है, उनमें मेरोक्राइन ग्लैंड पाई जाती है, जबकि जो त्वचा की जो सीरुबिमिनस ग्रंथियाँ हैं, जो त्वचा की पसीना वाली ग्रंथियाँ हैं, उनमें होलोक्राइन ग्लैंड पाई जाती है, तो इसका सही आंसर होगा होलोक्राइन ग्लैंड, चौथा ऑप्शन है होलोक्राइन ग्लैंड है वो सही आंसर होगा इसमें। एक प्रश्न आया था प्रयोगशाला विधि आधारित है करके सीखने पर, यह आया था। एक सर्वे दर्शी उपकरण का प्रश्न आया था कि मतलब कौन सा सर्वे दर्शी उपकरण नहीं है, इस प्रकार का प्रश्न आया। एक आया था मूल्यांकन का कौन सा गुण है, इस प्रकार मूल्यांकन मुख्य उद्देश्य क्या है, यह प्रश्न आया था। इस प्रकार शिक्षण विधियों के भी एक दो प्रश्न आए थे, एक संश्लेषण विधि का प्रश्न आया था, एक इस 2-3 प्रश्न ऐसे थे जो आए थे, एक शायद इनमें कृषि वाले चैप्टर वगैरह से भी आया था जो मुझे याद नहीं आ रहा कन्फर्म। तो ये थे आपके इतने प्रश्न जो मुख्य मुख्य आए थे, उनका सॉल्यूशन है। मैथ का सॉल्यूशन मैंने करवा दिया है, साइंस का मैंने करवा दिया है, ये दो सब्जेक्ट आपकी साइंस के जितने ज़्यादा प्रश्न मैंने याद थे। अब साइको का अगर मेरे से हो पाएगा तो मैं साइको का सभी प्रश्न मुझे मिलेंगे तो मैं साइको का करवा दूंगा। बाकी आप अब नेक्स्ट
एग्जाम की तैयारी करें। और अगर ये तो पीडीएफ वगैरह है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करवा दूंगा, टारगेट विद एमएस, और काफ़ी प्रश्न ऐसे हैं जो टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। और अब आप बताइए कि किस प्रकार से नोट्स में से प्रश्न आए हैं, क्या मैंने जो नोट्स आपको प्रोवाइड कराए थे, जो शॉर्ट नोट्स करवाए थे, वो आपके लिए उपयोगी साबित हुए हैं। इस प्रकार अगर आपकी जो भी हेल्प हुई है तो आप बिल्कुल बताइए, ज़रूर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।